नमस्कार, एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस की किरकिरी हो रही थी। पुलिस लगातार अपराधियों को दबोचने में लगी हुई थी। इसी बीच अपराधियों पर नकेल कसने पर पुलिस के साथ अपराधियों की मुठभेड़ हो गई। मुखबिर की सूचना पर आज हुई मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने इनके पास से 5 अवैध असलहा, कारतूस व 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार हुए बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि आजमगढ़ जिले की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसके बाद कंधरापुर थाने की पुलिस व स्वाट टीम संयुक्त रूप से इस सूचना पर चेकिंग करने लगे। तभी बिलरियागंज से आते 2 बाइक पर 6 अपराधी दिखाई दिए। तभी पुलिस ने इन्हें कंधरापुर थाना क्षेत्र के आजमपुर के पास आते देखकर रोकने का प्रयास किया, तो बदमाश अपने असलहे से जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिए। पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही में 6 अपराधियों को धर दबोचा। इन लोगों के पास से 1 अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस 315 बोर तथा 2 पिस्टल व मोटरसाइकिल बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार उन्हीं के पीछे एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति और आते दिखाई दिए, जो अचानक पुलिस को सामने देखकर बाइक घुमाकर भागना चाहे, लेकिन अनियंत्रित होकर मोड़ने के दौरान गिर गए। पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। तलाशी के दौरान बदमाशों के पास से 1 अवैध पिस्टल, कारतूस व 1 अद्धी बंदूक तथा मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद हुआ। पुलिस जब बदमाशों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि असलहे के बल पर आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं और जो भी पैसा उन्हें मिलता है वह उससे ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। देखिए, थाना कंधरापुर पुलिस टीम और स्वेट की जो हमारी पुलिस टीम है, दोनों के संयुक्त रूप से अभियान में ये एक पुलिस मुठभेड़ हुई और उस पुलिस मुठभेड़ में ये 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में असला बरामद हुआ। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनके पास से 3 पिस्टल, 1 तमंचा और 1 पौनी, जो देख रहे हैं छोटी बंदूक होती है, वो इनके पास से बरामद हुई है। और ये दोनों तरह का काम करते हैं। जो अभी आपने देखा, पिछले दिनों काफ़ी असला पकड़ा गया था, उसी की सीरीज में लगातार ये बरामदगी हो रही है और उसी इन्फॉर्मेशन पर ये बरामदगी हो रही है और अभी आगे और बरामदगी होगी। इन ये असला इसमें खरीदते भी थे और मौका लगने पर अगर प्रॉफिट होता था उसे आगे बेचते भी थे, यानी कि ये खरीदार भी थे और ये बेचने वाले भी थे, दोनों तरह का रोल ये करते थे। इसमें एक प्रधान भी है, प्रधान अपना हाथ खड़ा करिए, एक प्रधान भी है जो जिसके पास से पिस्टल बरामद हुआ।